This is Dr. Lekhavli, consultant obstetrician and gynecologist, Healing Hospital, Chandigarh. Today, we'll be talking about what to do and what not to do in the first trimester of pregnancy. So what is first trimester of pregnancy? It begins with when you get pregnant up till 14 weeks of pregnancy. Local language mein, three and a half months tak first trimester mana jata hai. Now, when you get pregnant, obviously आप घर पे pregnancy test करते हैं और you go to a hospital to get your UPT done. जब भी आपका UPT positive आ जाएगा, then is your first visit to the doctor. Doctor आपकी एक general physical examination करेगा, जिसमें he'll look at your chest, at your heart, at your tummy, your general health, your general well-being, and आपको जो भी उस time advices necessary होंगे considering his evaluation, वो आपको बताएंगे. दूसरी चीज, at 5 weeks, we usually go for a UPT at 5 weeks. So at 5 weeks of pregnancy, I'll give you a diet counseling and exercise counseling. Diet counseling mein what happens, at this point of time, aapko vomiting, nausea kaafi feel hona shuru ho jata hai. So, aap bahut sari cheezein hain jo nahi kha paoge, jisse aapko aversion hoti hai. At the same time, आपके family में जो elderly members हैं वो आधी चीज़ें बंद कर देंगे ये बोल कर कि ये गर्म है, ये pregnancy में नहीं खाना चाहिए. सबसे पहले तो गर्म ठंडा कुछ नहीं होता, आप सब कुछ खा सकते हो. And at this point of time, आपसे जो खाया जाए, जो digest हो सके, जिसे देख के आपको nausea की feeling नहीं आए, वो आप सब कुछ ले सकते हो. Everything in moderation is good. किसी भी चीज़ की excess नहीं करनी है. थोड़े थोड़े अमाउंट में आप सब कुछ खाते रहिए तो कुछ भी गर्म ठंडा नहीं होता, आपके बेबी को कोई भी फूड हार्म नहीं करता. दूसरी चीज़, नॉजिया एंड वॉमिटिंग जो इस टाइम पर होता है, उसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि सुबह उठते ही 7 AM, 8 AM जब भी आप उठते हैं, दो रस या ब्रेड का एक टोस्ट आप ले लीजिए. दिस इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज पूरी रात आपका बेबी हंग्री रहता है फॉर 12 आवर्स और मोर. सो दैट क्रिएट्स अ ग्लूकोज सिंक इन द बॉडी. जब भी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होगा, यू विल फील नॉशियस. सो उठते ही कुछ खा लीजिए, देन यू कैन हैव ब्रेकफास्ट 1-2 आवर्स लेटर. हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स. थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पोर्शंस ऑफ मील लेते रहिए. डू नॉट बिंज ईट. बहुत ज़्यादा खाओगे तो एकदम से उल्टी हो जाएगी. सो 2.5-3 आवर्स में स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील्स यू कैन कीप हैविंग. कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने अवॉइड करनी होती हैं. पाइनएप्पल, पपाया, ब्लैक ग्रेप्स एंड चाइनीज़ फूड. चाइनीज़ फूड में कुछ हर्ब्स होते हैं विच आर नॉट गुड फॉर द बेबी. सो दीज आर टू बी अवॉइडेड. नाउ फॉर एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिजीज. You should not be going on bed rest अगर कोई complication नहीं है. You should be working normally. जैसे आप पहले काम कर रहे थे वैसे काम कर सकते हैं. Just ease down a little bit. You should not be lifting heavy weights. Squatting नहीं करनी है. Otherwise, you should not be going on bed rest. At this first visit, आपके doctor आपको कुछ basic investigations के बारे में बताएंगे जो आपकी होंगी, कुछ आपके husband की भी होंगी. ये इसी टाइम पर करवानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ थायराइड की, शुगर की प्रॉब्लम हमें अगर इस टाइम पर पता लग जाती है, देन मेडिसिंस कैन बी स्टार्टेड. एंड 7-8 वीक्स पर बेबी के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं. सो टिल दैट टाइम हम वो डेफिशिएंसी अगर करेक्ट कर दें तो बेबी के ऑर्गन्स ठीक से बनने शुरू हो जाते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, यू शुड नॉट बी टेकिंग एनी अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉर द सेम रीज़न कि बेबी के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं. अगर पैरासिटामोल की भी ज़रूरत ना हो तो आप नहीं लीजिए. नो ड्रग इज़ टू बी टेकन ड्यूरिंग दिस पीरियड. नेक्स्ट विजिट आपकी 7 वीक्स पर होगी. नाउ व्हाई 7 वीक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इस टाइम पर डेफिनेटली बेबी की हार्ट बीट हमें दिख जाती है. वी आर वेरी श्योर दैट द बेबी इज़ फाइन. एंड अदर थिंग इज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेटिंग. कई लोगों को मेंसेस याद नहीं होते, कई लोगों को डिलेड कंसेप्शन होती है. सो 7 वीक्स के स्कैन से हम ये सब चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं. 7 वीक्स पे आफ्टर योर बेबीज हार्ट बीट इज देयर, आपको एक टेटनस का इंजेक्शन लगेगा. एंड सम डॉक्टर्स में स्टार्ट यू ऑन प्रोजेस्ट्रॉन. प्रोजेस्ट्रॉन इज अ हार्मोन विच इज गिवन आर्टिफिशियली टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी. कुछ ही कंडीशंस होती हैं जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन की ज़रूरत होती है. या तो आपको थ्रेटन्ड अबॉर्शन होगा, दैट मीन्स आपको ब्लीडिंग होती है, या आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रही होगी, या फिर आपको रिक्रेंट अबॉर्शंस रही होंगी. अदरवाइज रूटीन अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज में प्रोजेस्ट्रॉन एक्सेसिवली बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है. नाउ आफ्टर दिस 7 वीक्स, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इज 11-13 वीक्स. वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट?
इस टाइम पर एक स्कैन होता है NT-NB स्कैन. NT stands for local translucency and NB stands for nasal bone. इसमें जो आपका रेडियोलॉजिस्ट है वो नेजल बोन को देखता है और आपकी नेक की, बच्चे की नेक की थिकनेस, नेक के पीछे की स्किन फोल्ड की थिकनेस देखता है. अलॉन्ग विद दिस अ ब्लड टेस्ट इज डन विच इज नोन एज डबल मार्कर और डुअल स्क्रीन. अल्टीमेटली इन दोनों की रिपोर्ट कंबाइन की जाती है एंड देन देयर इज अ कॉमन रिपोर्ट विच टेल्स अस वेदर योर बेबी इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग डाउन सिंड्रोम. सी दीज डेज पेरेंट्स आर वेरी एजुकेटेड एंड दे वॉन्ट अ हेल्दी बेबी. So this test is very important to know अगर आपके बच्चे को कोई mental retardation, कोई genetic, कोई chromosomal abnormality है. It is very sensitive test. It has a sensitivity of 95% to 98% and it is not to be delayed. Another point important is it is to be done between 11 to 13 weeks. आप 14 weeks पे या 15 weeks पर आकर नहीं कह सकते कि हमारा ये वाला test कर दो, because उस time ये नहीं हो सकता. So do not delay this test. Do not miss this test. This test is very important. इस टाइम पर आपको एक टेटनस की सेकेंड डोज भी लग जाएगी. सो दैट कंप्लीट्स अवर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. फॉर द सेकेंड ट्राइमेस्टर विल बी गिविंग यू अनदर वीडियो. स्टे ट्यून्ड विद अस. आई होप यू आर कीपिंग सेफ, यू आर वेयरिंग योर मास्क एंड वॉशिंग योर हैंड्स. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, वी आर अवेलेबल एट हीलिंग हॉस्पिटल. यू कैन ऑल्सो अप्रोच अस थ्रू टेलीकम्युनिकेशन एंड वीडियो कंसल्टेशन. थैंक यू.